अनिश्चितकाल के लिए बंद है। शिरडी और उसके आसपास के 30 गांवों के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को मुंबई में एक बैठक बुलाई है, जिसमें साई संस्थान से जुड़े लोग, शिरडी के लोग और पाथरी गांव के लोग शामिल होंगे। ये बैठक मंत्रालय में दोपहर 2 बजे होगी। इस बीच साई बाबा संस्थान ट्रस्ट के CEO दीपक मुगलीकर ने भी इस बैठक की जानकारी दी और बताया कि बंद के बीच भी शिरडी में साई मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। तो आपको बता दें, बंद अनिश्चितकाल के लिए शिरडी के लोगों की तरफ से, लेकिन इस सबके बीच मंदिर के दर्शन लोग कर पा रहे हैं। वहीं जो साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के CEO हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि शिरडी में साईं मंदिर के दर्शन के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं, उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। शिरडी और पाथरी में जो विवाद वहां पे चालू है, उसके लिए आज शिरडी बंद है। हमारी पुलिस यंत्रणा पूरी इसकी जानकारी ले रही है। लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति वहाँ पे शांत रहने की उसकी पूरी कोशिश कर रही है। हम भी वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शांति से जो भी उनका डेमोन्स्ट्रेशन हो कर सकते हैं, लेकिन शांति से कायदा कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। और दोनों जगह की जो मांग है उसके बारे में, दोनों जगह मतलब पाथरी के लोगों का क्या कहना है, शिरडी के लोगों का क्या कहना है, ये दोनों की बात समझ के राज्य शासन उसमें अपनी भूमिका अदा करेगी। कल महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मंत्रालय में इस प्रश्न के ऊपर सोल्यूशन निकालने के लिए एक बैठक बुलाई है। बैठक की जानकारी मैंने कल ही सभी संबंधित लोगों को खत लिखकर दी है और उस बैठक में संस्थान की तरफ से सभी दस्तावेज की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने की जाएगी।